23 अगस्त की तारीख है जब शाम को 5:45 पर लैंडिंग होगी। बड़ी खबर, एक और कामयाबी श्रीनिवास, और इसरो की तरफ से भी ये जानकारी ऑफिशियल तौर पर साझा कर दी गई है। दीपा, देखिए अभी इसरो का एक ट्वीट आया, मैं पढ़ आपको बता ही देता हूँ क्या लिखा है। आखिर ट्वीट में उन्होंने लिखा है, थैंक्स फॉर द राइट मेटल सेट द लैंडर मॉड्यूल, थैंक्स फॉर द राइट मेटल सेट द लैंडर मॉड्यूल। मतलब लैंडर मॉड्यूल ने जो है उसने प्रोपल्सन मॉड्यूल को अलग होते हुए थैंक्स बोला है। आगे की लाइन में लिख रहे हैं कि LM इज लैंडर मॉड्यूल इज सक्सेसफुली सेपरेटेड फ्रॉम द प्रोपल्सन मॉड्यूल, LM is set to descend to a slightly lower orbit upon a deboosting planned for tomorrow around 1600, यानी कि कल 4 बजे से deboosting स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि आप कह सकते हैं कि उसकी गति को कम करके नीचे ले जाने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से आप कह सकते हैं, एक ट्वीट आया है अभी ठीक 1 मिनट पहले, जब आपने खबर ब्रेक करी है 1 मिनट पहले ही ये इसरो का ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने कहा कि हमने सक्सेसफुली इस ऑपरेशन को कंप्लीट कर लिया है। देखिए अब यहाँ के आगे, जैसा कि सर बता रहे थे कि तमाम वो प्रक्रियाएं हैं जो बहुत ही जटिल हैं, लेकिन पिछली बार से सीख लेते हुए बहुत सारी चीज़ें की गई हैं। जैसे कि पिछली बार एक डिसाइडेड पर्टिकुलर एक जगह था, वहीं उतरना था, लेकिन इस बार इस दायरे को बहुत बढ़ाया गया 4 किलोमीटर के आसपास। ये भी तय किया गया है कि अगर उस पर्टिकुलर जगह पे हम नहीं उतर पाते हैं तो आसपास कोई सेफ जगह ढूंढी जाएगी। अब बता रहा हूँ उसकी क्या प्रक्रिया है, जब तकरीबन चांद से हमारे लैंडर की दूरी तकरीबन 100 मीटर के करीब होगी तो वहाँ से हमारा सेंसर और लेजर जो लगे हैं लैंडर में, वो नीचे की स्टडी करेगा कि क्या ये जगह उतरने लायक है या नहीं, नीचे कोई क्रेटर यानी कोई गड्ढा तो नहीं है, ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है, क्या जिस डिस्टेंस को हम सोच रहे हैं ये डिस्टेंस वही है या नीचे कुछ इस तरह की खाई है। तो इन तमाम चीज़ों को लेजर स्टडी करेगा और उसके बाद जब उन्हें लगेगा कि ये सही जगह है तो वहाँ पर फिर सॉफ्ट लैंडिंग होगी। तो आप कह सकते हैं कि हिंदुस्तान का तिरंगा अब बहुत ही करीब है चांद की सतह के पास, चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास। और जहां तक पूरे देश को उम्मीद है तो मुझे लगता है कि इस बार जिस तरह से मैंने इसरो के वैज्ञानिकों से तमाम बातें की, मुझे लग रहा है कि उनके कॉन्फिडेंस को देखकर ऐसा महसूस हो रहा है कि इस बार हिंदुस्तान का तिरंगा चांद की सतह के ऊपर लहराने में कामयाब होगा। बिल्कुल सुरेंद्र पाल सर, एक सवाल और भी है कि जो डीबूस्टिंग की प्रक्रिया कल शाम 4 बजे से शुरू होगी, इसमें किस तरीके की प्रक्रिया अपनाई जाती है, क्या महत्वपूर्ण चीजें रहती है, क्या माना जाए कि कल से ही वो संवेदनशील समय शुरू हो रहा है जो आखिरी वक्त तक के पूरे सफर के भविष्य को तय करेगा? नहीं, पहली बात तो ये है कि देखिए स्पेस के अंदर जो अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी में हर मैन्यूवर, हर गति और हर जो विधि होती है वो सभी क्रिटिकल होती है, हम किसी भी चीज को लाइटली नहीं लेते, पहली बात। दूसरी बात, ये हम चंद्रयान 2 में कर चुके हैं, अगर आपको पता नहीं चंद्रयान 1 में भी हमने लोगों ने कुछ हद तक किया था, तो इसका एक्सपीरियंस है। और जो डीबूस्टिंग प्रक्रिया है इसमें इतने मतलब बहुत से सिमुलेशंस किए गए हैं, मैं काफ़ी आश्वस्त हूँ कि ये प्रॉपरली की जाएगी। अब ये 153 किलोमीटर से 100 किलोमीटर पर 30 किलोमीटर की ऑर्बिट में लाएंगे और ये पिछले 3-4 महीने और करेंगे, तो 6 दिन के अंदर ये कर लेंगे और उसके बाद में इसकी सारी करेंगे। यहाँ पर एक बात मैं बताना चाहता हूँ जो किसी ने नहीं बताई है, लैंडर और विक्रम इन दोनों की अपनी अपनी कम्युनिकेशन लिंक है। अभी लैंडर भी कम्युनिकेट कर रहा है, ऑर्बिटर्स और प्रोपल्सन मॉड्यूल है वो भी कम्युनिकेट कर रहा है। प्रोपल्सन मॉड्यूल डायरेक्टली अर्थ से भी कॉन्टेक्ट कर सकता है, जो ऑर्बिटर है उससे भी कर सकता है। इस तरह से लैंडर है डायरेक्टली अर्थ से कांटेक्ट कर सकता है और विक्रम से जो ऑर्बिटर 2 है उससे भी कर सकता है, तो उसमें भी हमें डबल रिडंडेंसी है। तो इस तरह से हम काफ़ी आश्वस्त हैं कि हर जो प्रक्रिया है ये यद्यपि ये जटिल है, मैं ये नहीं कहूँगा कि सिंपल है, लेकिन हम अच्छी तरह से कर पाएंगे। बिल्कुल, और जटिल प्रक्रियाएं हैं सुरेंद्र जी, लेकिन जो शायद है श्रीनिवास, इस बार देखिए चंद्रयान 2 से जो हमने सबक लिया, जो सीखा, उसका ये असर है कि इस बार सबका जोश है। आप कह रहे हैं कि आप खुद वहां पर थे, आपने देखा वैज्ञानिक कितने उत्साह में थे और पूरे भरोसे से लबरेज दिखाई दे रहे थे कि इस बार सफलता हिंदुस्तान को मिलनी ही मिलनी है, और वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। दीपा, मैं सबसे पहले हिंदुस्तान को एक तस्वीर दिखाऊंगा, 1:15 का वो वक्त था
जब लैंडर प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हुआ। ये देखिए उस वक्त की ये खास तस्वीर, जिस वक्त लैंडर प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हुआ उस वक्त की ये तस्वीर है। तो हिंदुस्तान के सामने सफलता की एक और तस्वीर जो एबीपी न्यूज के माध्यम से हम रख रहे हैं। इसरो ने ट्वीट कर इस तस्वीर को ट्वीट किया है, इसके ऊपर आप देख रहे हैं 17 अगस्त 1:15 का ये वक्त भी लिखा हुआ है। तो इसी वक्त 1:15 का वो वक्त था जब हमने एक और पड़ाव को सफलतापूर्वक हमने पार कर लिया है और ये तस्वीर हिंदुस्तान के सामने हम लेकर आए इसरो के माध्यम से। ये क्षण था, ये वो लम्हा था जिस वक्त लैंडर मॉड्यूल रोवर को अपने गोद में लेकर और प्रोपल्शन मॉड्यूल से प्रोपल्शन मॉड्यूल को थैंक्स कहता हुआ आगे की सफर पर निकल गया। बिल्कुल, और 6 दिन जो है अभी लैंडिंग में श्रीनिवास, वो 6 दिन अब सभी की धड़कनें बढ़ी हुई रहेंगी। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।